दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है मास्टरमाइंड। और इस मूवी के लीडिंग कास्ट में मौजूद थे मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, आदित्य पंचोली, अमीषा पटेल, डेनी डेनजोंगपा और गुलशन ग्रोवर। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे संजय गुप्ता। तो दोस्तों, ये बात है साल 2002 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो मास्टरमाइंड एक स्ट्रेटेजिक फिल्म हो सकती थी। और टाइटल को ध्यान में रखते हुए चलें तो इस फिल्म को ट्विस्टी एंड ट्रिकी नैरेटिव के साथ प्रेजेंट किया जा सकता था। और डायरेक्टर संजय गुप्ता की इन्वॉल्वमेंट की बुनियाद पे हम ये मान सकते हैं कि ये फिल्म भी अर्बन एंड स्टाइलिश क्राइम सेटिंग पे बेस्ड हो सकती थी। और इसके अलावा कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस फिल्म में हमें संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती जैसे वेल रेकग्नाइज्ड मेन स्ट्रीम एक्टर्स दिखाई देने वाले थे, जिनकी नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस इक्वली स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे सब्जेक्ट में इन दोनों को एक साथ देखना ही बॉलीवुड फैंस के लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज हो सकता था। और सिर्फ यही नहीं, आदित्य पंचोली की प्रेजेंस भी इस फिल्म के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती थी, जहां हमें आदित्य पंचोली और संजय दत्त के बीच की आइकॉनिक केमिस्ट्री या फिर टकरार एक बार फिर एक्सपीरियंस करने को मिल सकती थी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये आइकॉनिक प्लान 2002 में प्री प्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया, और इस फिल्म को अननोन रीजंस की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, मास्टरमाइंड मूवी के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है कि क्या इस मूवी को आज की तारीख में फिर एक बार इसी कास्ट के साथ प्लान करके बनाना चाहिए या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।